भाई दिखने में, परफॉर्मेंस में, हर चीज के अंदर ये पीसी बेस्ट है। कस्टमर को एक स्मार्ट एडिटिंग करना था, उनके लिए ये पीसी मैंने बिल्ड किया है। इस पीसी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल रहने वाला है, क्योंकि इस पीसी के अंदर हमने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए वन टू वन टॉप नोच वाले हैं। पूरा मॉनिटर वगैरह पूरा सेटअप के साथ में 160,000 ऑलमोस्ट बजट के अंदर ये पीसी बन जाता है, जिससे आप अच्छी तरह से गेमिंग एडिटिंग AI एनेबल्ड पीसी इसको बोल सकते हैं। ग्राफिक कार्ड ज़्यादा नहीं चाहिए था, फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड ग्राफिक कार्ड चाहिए था, फिर भी 4060 गेमिंग उसी जो ग्राफिक कार्ड है, काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर यूज़ किया है। अगेन ये किंग लेवल का पीसी है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने यूज़ किया है किंग 95 प्रो केस। किंग 95 प्रो केस एक अल्टीमेट केस है, जिसके अंदर साइड से आपको दो इंटेक के फैन आते हैं, बॉटम से तीन इंटेक फैन रहेंगे, बैक से एक एग्जॉस्ट और टॉप से लिक्विड कूलर एग्जॉस्ट हो जाता है। किंग 95 प्रो कैबिनेट एक रियली हर तरह के पीसीज के लिए रिकमेंडेड रहता है, जिनको एक एस्थेटिक्स भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए और एयर फ्लो भी अच्छा चाहिए और अपना बजट के अंदर फिट भी हो जाना चाहिए। अपने बटन से आपको जैसे चाहिए वैसे आप कलर्स आज भी चेंज कर सकते हो, कॉन्फिगर कर सकते हो। आपको वाइट चाहिए तो वाइट, रेड चाहिए तो रेड। अगर आपका मूड ऑफ है, कोई कलर्स आपको नहीं चाहिए, आरजीबी को बंद करना है, तो इवन आप आरजीबी बंद भी कर सकते हो। ARGB के अंदर इसके फैंस काफ़ी अलग से लुक देते हैं। इसके अलावा इस पीसी के लिए हमने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए सब टॉप नोच वाले कंपोनेंट्स हैं। आप इसके लिए जो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया Z790UD सीरीज़ का मदरबोर्ड है, AC लेवल का मदरबोर्ड है। AC मतलब AC सीरीज़ का वाईफाई रहता है, 32x4 आपका 128 और 48x4 192 GB तक रैम इसके अंदर कैपेबल रहता है। वाईफाई ब्लूटूथ दोनों रहेगा, i3 i5 i7 जैसे प्रोसेसर आपको इजीली सपोर्ट कर देता है। और इस पीसी के लिए हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया है टॉप नोच प्रोसेसर 14700K सीरीज का प्रोसेसर है। ये 24 के अंदर आने वाला बेस्ट प्रोसेसर है, जो एडिटिंग के लिए काफ़ी हेल्प करता है। 1TB की NVMe Gen 4 SSD यूज़ की है, जो किंगस्टन की तरफ से आने वाली 7000 MBPS NVMe Gen 4 वाली स्टोरेज है। उसके अलावा रैम हमने यूज़ किया 16GB की, दो वी कलर की तरफ से आने वाली 6000 MHz वाली रैम है और एक प्रॉपर लुक्स के अंदर ये रैम आती है। ग्राफिक कार्ड तो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 4060 AI एनेबल्ड कार्ड है, जो एंट्री लेवल AI ग्राफिक कार्ड बोल सकते हैं। इसके अंदर उतना हैवी टास्क वगैरह नहीं चाहिए, सॉफ्ट मतलब कॉर्नर चाहिए GPU के अंदर, उनके लिए बेस्ट है। 850 वॉट्स का पावर सप्लाई है, जो गोल्ड रेटेड है, PCIe जनरेशन 5.0 है। प्रोसेसर को कूल करने के लिए टीपको की तरफ से आने वाला LS720SA सीरीज़ का कूलर है। इसका रेडिएटर पंप काफ़ी हाई क्वालिटी का आता है। अगेन इस कूलर को i7-14700K के साथ में जब पेयर करते हैं काफ़ी बेस्ट रहता है, टेम्परेचर काफ़ी आइडियली रहते हैं। उसके अलावा जो मॉनिटर हमने यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला M27F2 मॉनिटर, एक फुल HD मॉनिटर है, जिसके अंदर अप टू 165 हर्ट्ज आता है, sRGB 90% के है वो रहता है। उसके अलावा IPS पैनल भी है, आपके KVM स्विच से टाइप सी पोर्ट रहने के वजह से आपके कीबोर्ड वगैरह सब कुछ इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। ये पीसी मैंने सर के लिए बिल्ड किया है, उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्होंने क्या यूज़ के लिए पीसी बिल्ड किया है। सर आइए सर। सो ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಪಿ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಧನುಷ್. ಧನುಷ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರ. ಇವತ್ತು ಈ ಪಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ಗಿದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ? ಎಡಿಟಿಂಗು, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಓನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ? ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ SP ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. SCLK ನೋಡಿದೆ. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ತೋರಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಹೌದು. ತಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕನಕಪುರ ಆರೋಲಿ. ಆರೋಲಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ? ಬರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಪಿ ಸಿ
ನೀವು ಮುಂಚೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಪಿಸಿ ಇತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ ಕಾ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಾ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ಲಗಾ, ಜೈಸಾ ಸೋಚಾ ಥಾ ಉನ್ಸೆ ಭೀ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ರಹಾ. ಆಪ್ಕೋ ಭೀ ಎಸ್ ಐ ಯಾ ಫಿರ್ ಜೈಸಾ ಭೀ ಪಿಸಿ ಚಾಹಿಯೇ ಥಾ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಹೈ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪೇ ಜರೂರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾ.